हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पालक पकौड़ा जो बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। और ये तो सभी जानते हैं कि पालक हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्दी होता है, और बच्चे तो जल्दी पालक खाना ही नहीं चाहते, पर आप इस तरह से पकौड़े बना के उन्हें सर्व करेंगे तो इजीली खा लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। पालक का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पालक के पत्ते को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। अब पकौड़े के लिए बेसन का बैटर बना लेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप बेसन लेंगे। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। चावल की आटा की जगह आप लोग सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिला देंगे पहले अच्छे से। चावल का पाउडर मिलाने से पकौड़ा बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। तो आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला इसमें टोटली ऑप्शनल है, और आधी छोटी चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे। मिला देंगे सभी को अच्छे से। आप चाहें तो इसमें आधी छोटी चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन में एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बेसन में गांठें पड़ जाती हैं, फिर वो जल्दी नहीं खुलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए, बैटर बनके रेडी हो चुका है, और बैटर इतना ही पतला होना चाहिए। और इतना बैटर बनाने में आधा कप पानी में 1 चम्मच पानी बच चुका है। इधर तेल भी गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं तेल को। तो ये देखिए, बैटर डालते ही ऊपर आ गया, मतलब तेल गर्म है। तो बहुत ज़्यादा भी तेल को नहीं गर्म करेंगे, नहीं तो पकौड़ा डालते ही जल जाएगा। अब पालक के पत्ते को बेसन में डिप करेंगे। तो एकदम पतला लेयर लगाना है, मोटा लेयर नहीं लगाएंगे। अब एक एक करके पालक के पत्ते को तेल में डालते जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसे। लो फ्लेम पे फ्राई करने से पकौड़ा तेल पी लेगा। तो पकौड़े को दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पलट देते हैं इसे और दूसरे साइड से भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर से पलट देते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं पकौड़े के ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। अब इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में निकालने से क्या होता है कि पकौड़े का जो क्रंच है वो काफ़ी देर तक बना रहता है, और जो एक्स्ट्रा ऑयल भी होता है वो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सेम प्रोसेस से सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कैसे डालना है पालक के पत्ते को। जो भी एक्स्ट्रा बेसन है उसे किनारों से इस तरह से निकाल देंगे, और इसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। एक एक करके सभी पकौड़े को पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी पकौड़े के ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो आप इसे भी निकाल लेंगे। सारे पालक पकौड़े बनके रेडी हो चुके हैं। मेन कोर्स से पहले इसे आप लोग स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची बनते हैं। तो इस हेल्दी और क्विक रेसिपी को आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को भी प्रेस जरूर करें। इससे क्या होगा कि मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।